कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। विपक्ष को राजनीतिक हमले का हथियार देने में मेरठ पुलिस पीछे नहीं है। चला जा वरना ठोक दूंगा जैसे डायलॉग बोलकर यूपी पुलिस वे योगी सरकार की किरकिरी कराने वाली मेरठ सदर थाना पुलिस आज फिर से करियप्पा रोड स्थित मकान को खाली कराने पहुंच गई। बताया कि छावनी परिषद ने उन्हें भेजा है, तुरंत सामान बाहर निकाल लिया जाए। वहीं जब पीड़ित परिवार पुलिस समेत छावनी परिषद कार्यालय पहुंचा तो परिषद अभियंता ने साफ बोल दिया कि उन्होंने पुलिस को मकान खाली कराने के लिए नहीं भेजा है। सवाल उठता है, क्या पुलिस इस तरह किसी का भी विवादित मकान खाली कराने बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के पहुंच सकती है, परिजनों व बच्चों को धमका सकती है, वह भी तब जबकि यह दावा किया जा रहा है कि मकान खाली कराने के लिए मकान मालिक द्वारा दायर किया गया वाद कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पहले देखिए वह वीडियो जिसमें वर्दी के नशे में चूर दरोगा सौराज सिंह बच्चे को ठोक देने की धमकी दे रहा है। आज जब सदर पुलिस पहुंची तो ऐसे हालात बने छावनी परिषद बोर्ड से सटे इस आवासीय परिसर में। किसी और का बहुत गंभीर होता जी। कल हम रह रहे हैं, बच्चों को बाहर निकाल दिया जबरदस्ती। गाड़ी का नंबर नोट करो। ये एकदम खुद मना कर रहा है कि हमने पूरी बेची नहीं। स्कूटी आज फर्स्ट बाइट संवाददाता जिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। देखिए पुलिस की वह धमकी तो आपको याद ही होगी जिसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची थी, चला जा नहीं तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुझे ठोकने में। आज फिर सदर पुलिस पीड़ित पक्ष के घर पहुंची और बुलडोजर चलाने की बात कही। आइए जानते हैं क्या हुआ था आपके साथ। उस दिन जबरन हमारे घर में पुलिस आ जाती है, 18 जुलाई की बात है जी। और कैंटोनमेंट बोर्ड से जेई साहब आते हैं और हमारा घर तोड़ने लग जाते हैं। अच्छा। थोड़ी देर के लिए हम घर से बाहर गए थे और हमने जब आके देखा तो हमारा काफ़ी घर ये टूट चुका था। हमने उनसे नोटिस मांगा था लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, उनके पास नोटिस था ही नहीं। उसी चीज़ का उस बच्चे ने उसे विरोध किया था और आज फिर से हमारे घर में पुलिस आ जाती है और हमसे ये, मैं घर पर नहीं थी, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, मेरे दोनों बच्चे घर पर थे, तो पुलिस कहती है तुम इस घर को खाली करो और अपना सामान जल्दी से यहाँ से निकालो। उनका मेन मकसद यही है कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएं। हमें ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस घर को छोड़ दें, जिस घर में हम 43 ईयर से रह रहे हैं, हम उस घर को कैसे छोड़ दें, मेन मुद्दा ये है। और पुलिस इसी चीज़ का दबाव बना रही है, आज बच्चों के पास आती है, मेरे दोनों बच्चों को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया कि इस घर से बाहर निकल जाइए। बच्चों को क्या घर से निकालना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। एक तरह से ये हमें दबाव ही तो डाल रहे हैं, एक हमें डरा रहे हैं, पूरा दबाव बना जा रहा है, पूरा डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो हम तो आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। इस बारे में आपने किसी को कोई शिकायत की है, किसी को कहा है? जी हमने बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे हमने अपनी शिकायत रखी है कि मुख्यमंत्री साहब हमारा प्लीज़ हमारी मदद करें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस टाइम पे कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि इस घर को छोड़ दें, किस बिना पे हम इस घर को छोड़ दें, हम तो सड़क पे आ चुके हैं, हमें पुलिस का दबाव है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। मेरा जो घर है ये 18 जुलाई को कैंट बोर्ड का दस्ता आता है और इसे तोड़ना शुरू कर देता है, तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें नोटिस दिखाओ, आपने कोई नोटिस तामील नहीं करा, हमारा सामान अंदर रखा हुआ है कीमती सामान, उसे भी क्षतिग्रस्त हो गया, तो नोटिस देने में असमर्थ थे, ना उन्होंने कुछ दिया। इसके बाद बच्चों ने थोड़ा विरोध करा, जब जिसका मकान टूटता है वो दुखी तो होता ही है, तो होते होते मामला बढ़ता चला गया थोड़ा, उसके बाद वो टीम वापस चली गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वो गलती पर है। आज सुबह 9:30 बजे के करीब
दोबारा पुलिस 10-12 पुलिसकर्मी आते हैं सदर थाने के, मेरे बच्चों का फ़ोन आता है, बहुत डरे हुए थे, पापा पुलिस आ गई घर में। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। कह रहे वो कह रहे हैं बात बात कुछ नहीं करोगे, बाहर निकलो, स्कूटी उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तो और उन्हें निकाल कर घर से बाहर कर देगी, आप अंदर मत रहिए, घर सुरक्षित नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। फिर हम जब पहुँचे तो हमने कहा आप क्यों आए हैं, तो वो कहने लगे हमें कैंट बोर्ड वालों ने बुलाया और थोड़ी बहुत देर में बुलडोज़र आ जाएगा और हम और पुलिस बल बुला रहे हैं, और अगर आपके पास सही कागज़ है तो जाके कैंट बोर्ड को दिखाइए। हम फिर पहुँचे कैंट बोर्ड दफ्तर, तो कैंट बोर्ड वालों ने स्पष्ट कह दिया भाई हमने कोई पुलिस नहीं बुलाई, हम तो पुलिस को बुला मांगते रहते तो पुलिस हमें मुहैया नहीं होती, तो हम आज हम एक इतनी जल्दी कोई मिलती है पुलिस? तो फिर हमने पुलिस वाले से कहा आपको किसने भेजा, तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शरण जी, इस घर में आग भी लगी थी। हाँ जी, उसके पीछे क्या कारण रहा, कैसे लगी, वो क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। आग का कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब जो प्रतीत होता है कि मकान को खाली कराने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कि पहले मकान में आग लगा दीजिए, फिर उसे जर्जर घोषित कर दीजिए और उसे तोड़ दीजिए, जबकि जिस मकान मालकिन ने तोड़ने की के लिए कहा था कैंट बोर्ड दफ्तर से, वो और हम के एक दीवार साझी दीवार है, लेकिन उन्होंने आज तक हमसे नहीं कहा कि आप ऐसे ऐसे कार्रवाई चल रही है और आप इसे छोड़िए। और हम एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि 2018 में इन्होंने हम इनसे एक बात जीत गए थे, जो इन्होंने हमारे पास ऊपर कई साल पहले बेदखली के लिए डाला था, कह के कि किराएदार हमें किराया नहीं देता और इसे बेदखल कर दिया जाए, लेकिन वो बात हम जीत चुके हैं और ये सारी प्रक्रिया जो हुई है न्याय संगत नहीं है। जब हमने कैंट बोर्ड से कहा आपने हमें नोटिस क्यों नहीं दिया, तो वो कहने लगे हमें पता नहीं आप यहाँ रहते हैं, जबकि पानी का कनेक्शन कैंट बोर्ड से हमारे स्वीकृत है, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। और एक बात और, जब ये ध्वस्तीकरण करने आए थे, इन्होंने ना तो बिजली का कनेक्शन कटवाया जिस भवन को तोड़ने आए थे, और ना ही देखने की कोशिश करी अंदर क्या क्या रखा, जबकि वहाँ सिलेंडर भी रखा हुआ था जो एक बड़ा हादसा हो सकता था, और ना ही मौके पे कोई मजिस्ट्रेट लेकर आई, ना ही पुलिस महिला पुलिसकर्मी थी। ध्वस्तीकरण का कोई आदेश, कोई नोटिस उन्होंने चस्पा किया था, आपको बताया हो? नहीं, उन्होंने ये भी हमने उनसे पूछा तो ना उन्होंने बताया, ना ही इस भवन पे कहीं पे कोई नोटिस चस्पा करा गया। अभी तक आपको कोई नोटिस नहीं मिला? अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।